नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी आभार जनसंवाद यात्रा पर निकल चुके हैं। उनकी यात्रा को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तंज कसा है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव केवल 4 सीट पर ही ना आभार व्यक्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी के 4 सांसद चुने गए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा का नाम बदलकर भार यात्रा कर देना चाहिए। 4 सीट छोड़कर सभी सीट हार गए तो भार ही पड़ा उनके ऊपर। हमें लगता है कि इसका नाम बदल देते तो बेहतर होता, हालांकि वह आंतरिक मामला है। आभार यात्रा से अच्छा रहता भार यात्रा। अरे आभार तो 4 ही सीट पर आप व्यक्त करिएगा ना, तो समस्तीपुर और उजियारपुर आप हार गए तो कहिएगा ना भार यात्रा। हम गुनाहगार की कार्यकर्ता गुनाहगार कबूल कर लीजिए। साथ ही साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर जा रहे हैं तो यह कबूल करिएगा वहां कि हमारे पिता राजनैतिक रूप से किंग मेकर तो थे केंद्र की सरकार में, तथा कथित 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन पटना में जरूर था, लेकिन हम सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं थे। नीतीश कुमार जी के अनुरोध पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जननायक को भारत रत्न दिया। इसके लिए नीतीश अंकल और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करिएगा। नीरज कुमार ने अति पिछड़ा को 2 ही सीट दिए जाने पर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। बीमा भारती के चुनाव हारने का ठीकरा भी तेजस्वी यादव पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि राजद ने अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया है। राजद ने अति पिछड़ा को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। अति पिछड़ा को 23 सीट में से 2 सीट दी थी। साथ ही साथ आपके पिता ने अति पिछड़ा समुदाय को वोट का हथियार मान लिया था और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास समस्तीपुर में बना दिया। तो चरवाहा विद्यालय आपके पिताजी वाला भी है। अब मेरा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है, उसको देख लीजिएगा और इस बात को जरूर बोलिएगा। अभी जाति सर्वे हुआ है, लगभग 35% आबादी है अति पिछड़ा का, 23 में 2 बीपीएल बना दिया अति पिछड़ा को, 23 में 2 सीट और 16 में 5 सीट दिए और 4 सीट हमारा अति पिछड़ा समुदाय जीता और 2 में 2 हार गया। और बीमा भारती का जो फजीहत आपने राजनीति में करवा दिया अति पिछड़ा समुदाय की बेटी का, वह गुनाह कबूल करिएगा। तो चरवाहा विद्यालय का रोल मॉडल और साथ ही साथ नौकरी के बदले में जमीन लेने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन कहां से आया, कृपा कर करके यह भी समस्तीपुर में बता दीजिए। नीरज कुमार ने तेजस्वी के संपत्ति पर भी तंज कसते हुए कहा कि आभार यात्रा पर लोगों को बताएं कि उन्हें पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर, मुजफ्फरपुर में 25 बीघा और गोपालगंज में 9 बीघा जमीन है, जबकि उनकी पैतृक जमीन मात्र 1 बीघा थी। लालू प्रसाद यादव की शासनकाल और अपने भ्रष्टाचार की बात जरूर बताइएगा। केंद्र में रहकर भी लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिलाया। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।